मूली और मिर्चा का अचार मैं आपको बताने जा रही हूँ, एकदम झटपट तैयार होने वाला। फ्राई पैन में धनिया, जीरा, मेथी, काला वाला राई, दो तीन लाल मिर्च, दो लाल मिर्च लेंगे, उसको अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे और उसको बारीक पीस लेंगे। बहुत बारीक नहीं पीसना है, मिक्सी में नहीं चलाना है, थोड़ा खुरदुरा पीसना है ताकि स्वाद आ जाए। फ्राई पैन में तेल लेंगे और उसमें मिर्चा, वो मूली डालेंगे, मिर्चा डालेंगे और उसमें ढेर सारा नमक डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे और उसको तब इसको ढक देंगे सीम आँच करके, फ्लेम को कम करके ढक देंगे। ये मूली पानी छोड़ेगा और इसी में ये पकेगा। तो फिर इसको मैंने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चलाना है और देखना है कि ये पका कि नहीं। तो और इधर मेरा मसाला तैयार है, मैंने देखिए मोटा थोड़ा दरदरा कूट लिया है और इधर मैं फ्राई पैन में मेरा ये मिर्ची और मूली का पानी सूख गया है और तैयार है। और इस पर मैं सूखे मसाले छिड़कूंगी और खट्टा अचार है तो खट्टा तो चाहिए, तो फिर इसमें सूखे जो मैंने मसाले तैयार किए मैं छिड़क दी। और एक बड़ा नींबू का रस मैंने इसमें निचोड़ लिया है और आपके डाइनिंग टेबल पे ये सर्व करने के लिए तैयार है। इंस्टेंट मूली और मिर्ची का अचार खाइए, खिलाइए और बताए कमेंट करके बताइए कि कैसा स्वाद है इसका, बनाइएगा ज़रूर। ये देखिए कितना खूबसूरत और देखने में भी अच्छा, स्वाद में भी बेमिसाल और बहुत जल्दी पकने वाला। थैंक यू।